हम लोग जो इतना सह रहे हैं ना, अच्छा नहीं है। अरे इससे सिया की कोई खुशी बढ़ रही है, उसकी लाइफ में सुख चैन आ रहा होता, तो बात समझ में आती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उल्टे जो हम लोग कर रहे हैं उससे सिया का बुरा हश्र ही होना है। आप ऐसा मत बोलिए जी। अरे अखबार में रोज हजारों खबरें आती हैं उत्पीड़न, इससे पहले कि सिया के साथ कुछ ऊंच नीच हो, कुछ बुरा हो उसका, मैं ले आऊंगा जाके उसे। आ रही हो मेरी जान, तुम्हारे साथ, तुम्हारी होकर इस रूम में रह, और बहुत जल्द ये रूम हमारा होने वाला है बाय गॉड, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। पहनाइए, अरे थोड़ा नीक से पहनाइए, मतलब ऐसे पहनाइए हार मेरे पतिदेव कि आंखें अपने आप मुंद जाए, धड़कन रुक जाए हमारी, और जब हर गहना हमारे तन पे जगह ले तो ऐसे लगे गहना नहीं आप है। पहना रहे ऐसे काहे छू रहे हैं, हम आपकी धर्म पत्नी है, ऐसे छुएंगे पड़ोसी की थोड़ी है। देखो इतनी उम्मीद ना पालो, पूरी ना हो तो मलाल। दुखा दिए ना बेदर्दी की तरह हमरा नाजुक दिल, हम जानते हैं आप ऐसे कैसे निर्मोही की तरह बात करते हैं हमसे। चूक गए ना हम पत्नी धर्म निभाने में, जब देखें तब धकियाते रहते हैं हमें। धकियाते हैं और नहीं तो का, आगे इतने बरस बाद भी अनजोड़ नहीं ना कर पाई गृहस्थी को, वरना एक तो बेटा हो गया होता अब तक। अब हमारी बात समझ में आ रही है। ऐसा तो चलिए ना शुरू हो जाते हैं और प्लान करते हैं, आपको बेटा चाहिए कि नहीं? हमको तो चाहिए। कहा अचानक कौन सा रेडियो स्टेशन पकड़ लियो, नन्ही दुनिया से सीधे परिवार नियोजन कार्यक्रम, हम दोनों के बीच में हमारी तो काहे घुसेड़ रही भाई। दो नहीं, अपने एक लाल की बात कर रहे हैं। देखिए अगर वो नहीं आएगा ना तो इज्जत के ढाक पर इससे ही तीन पात रहेंगे, बेटा हो जाएगा तो सब राजपाट अपना, समझ रहे हैं? हमरे तुमरे समझने से क्या होता, ये सब ना भगवान के हाथ में। ये पकड़ो और एक कृपा करो हमरे ऊपर, दिवाली की पूजा के लिए तैयार होके आ जाओ। ठीक चले गया इससे ही। वो सब लोग अभी काम में व्यस्त हैं, किसी को पता नहीं था ना कि आप आने वाले हैं। बेटा ये दिवाली की मिठाई।
हेलो बाऊजी। कौन? हम कालिंदी बोल रहे हैं, आपकी दूसरी बेटी। अच्छा, कालिंदी बिटिया, सब ठीक तो है ना बेटा? जी बाऊजी, बाऊजी हम अपने उस दिन के रूखे व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगते हैं। कोई भी बेटी अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती जैसे हमने उस दिन किया था। यकीन मानिए बाऊजी, हमारी कुछ मजबूरियां थी। कोई बात नहीं बेटा, तुमने सामने से फोन कर लिया, हमारी दिवाली भी खुशहाल हो गई। अच्छा बेटा, सिया बिटिया कैसी है? सिया हमारी तरह कमजोर नहीं है, उसमें तो बहुत आत्मबल है बाऊजी। बाऊजी हमारी माँ जी, भाभी और भैया से बात कराइए ना। हाँ बेटा, ये लो बेटा, प्रभात आ गया, उससे बात करो। गोमती जी। नमस्ते भैया। कालिंदी दीदी नमस्ते। हम जानते हैं कि आपको यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपकी बहनें रहती हैं यहाँ पर, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। आया जाया करिए, अच्छा लगता है। भैया उस दिन जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। और हाँ, सिया को भी ये बात नहीं पता कि आपके लाए हुए कर्मों से ही हमने करवा चौथ चुप किया था। अच्छा दीदी, हम तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि आप सदा खुश रहें, आपकी दिवाली शुभ हो और सदा सुहागन रहे। दीदी लीजिए, मम्मी और प्रीति आ गई है, बात कीजिए। मम्मी लीजिए। हेलो कालिंदी बेटा। हेलो कालिंदी बेटा। हेलो, लगता है फोन कट गया। कहाँ फोन आ रही हो? मार स्टाइल में सब गिराई पड़ी जा रही हो। नहीं, वो तो फोन रख रहे थे हम। अरे यार छोड़ो फोन। और ये हमार गोलगप्पा, आज तू एकदम चकाचक लगी रहा हो, इतनी सुंदर लग रहा हो कि मन कर रहा है ना कि आज लपटाए कि तुम्हारे साथ सब कुछ चपटाए। जर्जरवाल, हमारे आंखी पे पर्दा पड़ा रहा जो हम तुमको देखे नहीं पाए, लेकिन आज जब तुम्हारे रूप की कोयलिया हमारे कान में कू कू करने लगी, तब जाके लगा के हम तुमको एक बात बताएं, पर वादा करो कि किसी से कहोगी नहीं। करो। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। अब हम अपने साथ तुमको चुनाव में भी लेकर चलेंगे प्रचार के लिए। सारा मोहर टप्पा भक्का हमारे नामे पे लगेगा और जीतेंगे हम, जो अब तुम हमारे साथ हो। ए समझो कि नहीं? अरे क्या कर रहे हो सबके सब अपने दड़बे में घुस के, निकलो बाहर। सासू माँ बुला रही है ना, चलिए पूजा के लिए। बाद में फिर। राजा नौनुआ का देख के नौनिया का साथ लगे, बच्चे जिद पे अड़ गए कि मंदिर सजाए, तो हम भी उनका मन रखने के लिए बैठ गए। अच्छा है सीख जाएं, क्या पता तीजा को अगले साल अपने ससुराल का मंदिर सजाना पड़े। माई रे माई, कितना बढ़िया मंदिर सजाई है तीजा बीबी जी। भाभी ऐसे नहीं चलेगा, अब जब इतना सुंदर मंदिर सजाई हूँ तो कुछ बना के बढ़िया खस्ता वस्ता खिलाइए ना। बड़को, दिवाली की पूजा के बाद इसे खस्ता बनाकर खिला देना।
माई रे माई, करम फूटे थे हमरे, जो तारीफ के बोल फूट गए मुँह से। ऐसे बढ़िया तो बिलारी से अपना रास्ता कटवा लिए होते तो भी इतना जहमत नहीं ना उठाना पड़ता। मन तो कर रहा है खस्ता में खरी मिला दे, बढ़ियाई खस्ता खाएंगी। मैं फटाफट तैयार होके आती हूँ, छुटकी भाभी ने मेरे लिए ड्रेस तैयार की है। चलो चलो बच्चे जल्दी चलो। सासुमा, जैसे आपने समर बबुआ जी को माफ करके घर के भीतर आने दिया, वैसे ही देव बबुआ को भी भीतर बुला लेना चाहिए ना। वो भी तो यही घर के बेटे हैं। बड़को, अपनी गज भर की लंबी जबान ना अंदर ही रखा करो। तुम्हारे सोचने समझने और बताने के तरीके से ये घर नहीं चलने वाला। दिवाली का दिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ भूल कर देव को वापस बुला। हम रहम दिल जरूर हैं, कमजोर दिल बनना हमें पसंद नहीं। अरे वाह झरझर वाली, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारा ये रूप हम पहली बार देख रहे हैं। अम्मा, आज ना छोटकी दुल्हन ने कमाल कर दिया, वह सजाई है को एकदम फिल्मी स्टाइल में। और ये छोटकी बहू कहाँ है? अभी भी लाली लिपस्टिक में लगी है। छोटकी बहू आ रही है। अरे तीजा, ये क्या हुआ है तुम्हें? बुआ बुआ, छोटी चाची ने तीजा बुआ को तैयार किया है। तीजा बीबी जी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। अरे ये सब छुटकी भाभी का कमाल है, जादू है उनके हाथ में। अम्मा, हम तो दीवाने हो गए छुटकी भाभी के। लगता है तीजा के लिए जल्द ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। छोटकी बहू, तुम्हारे लिए अलग से मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। जाओ जाके तैयार हो। सासुमा, हम तैयार ही हैं। तैयार हैं? ऐसे तैयार हुआ जाता है मनहूसों की तरह? जाओ जाके अपना गहना पहनो। वरना पूजा में बैठने नहीं दिया जाए। मलकिन, ये सिया बहू की पहली दिवाली है उसके ससुराल में, जरा आराम से। सिया जी, आपको गहने पहनने चाहिए थे ना? जाओ जाके अपने गहने पहनो। तीज त्योहार में ही साज श्रृंगार का मतलब है, बक्सा में बंद रखने के लिए नहीं है। We'll be right back.
आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब समर जी पूजा शुरू होने वाली है तो आप जाइए। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर सब लोग पूजा में इंतजार कर रहे हैं। चलिए अपने जेवर पहनिए और चलिए पूजा। समर जी हम खुद ब खुद आ जाएंगे। आप जाइए ना। अच्छा यार कभी कभी क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। वो ये सोच के नहीं किया कि हम किसी की नजर में महान बन जाए। उस वक्त जो हमें सही लगा हमने बस वो किया। जी, सिया जी ने अपने मायके के गहने गिरवी रखे। क्या समझ गया समर बेटा? ताकि तुम्हारी अम्मा अपनी इज्जत छोड़ दे और कुछ खा ले। सिया बहू ने सारे इल्जाम अपने सर पर ले लिए। यहां तक कि अपने गहने भी गिरवी रखे सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी अम्मा की जान बच सके। तो परफेक्ट, हम सिया बहू के रूप में इस घर में लक्ष्मी लेकर आए हैं और अगर उसकी कद्र नहीं हुई ना खैर जो तुम अभी मानिक चंद के आ जाओ, हम उससे सब कुछ बता देंगे फोन पे, ठीक है? बाबूजी पूजा कुछ नहीं, तुम जाओ। तुम जब तक लौट के नहीं आओगे तब तक पूजा शुरू नहीं होगी, समझ गए? ये लो रसीद और जाओ जाओ। आखिर ये लड़का चला कहां गया? मलकिन हमने भेजा है उसे कुछ लाने के लिए। लेकिन बाबूजी पूजा का मुहूर्त निकल गया तो? बेटा शुभ मुहूर्त लेने के लिए ही गया। अरे आप बुझोल का है बुझा रहे हैं, साफ साफ बताइए ना कि आप समर को कहां भेजें। धीरज रखिए मलकिन, अभी आता ही होगा आपके सवाल का जवाब लेकर। अम्मा 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 ये रहा आपके सवाल का जवाब। कौन से सवाल का जवाब? और ये मानिक चंद जी तुम्हारे साथ कहाँ आए? नमस्ते नौलखिया जी, शिया बिटिया के शादी के गहने उसके माता पिता जी ने हमारे यहाँ से बनवाए थे। लेकिन एक दिन सुबह सुबह शिया बिटिया मेरे घर पे आई और सब गहने मुझे दे दिए और कहा 1.5 लाख रुपए मुझे अर्जेंट चाहिए। छह लाख के जेवर 1.5 लाख रुपए में गिरवी रखना चाहती थी।
मुझे हैरत हुई और पूछा कि अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसे ये गिरवी रखना पड़ रहा है। इस पे उसने इतना ही कहा कि कुछ मजबूरी है, उसने ये गिरवी वाली बात किसी को भी बताने से मना किया था और पैसे लेकर वो बड़ी हड़बड़ी में चली गई थी। नौलखिया जी, मैं बचपन से जानता हूँ शिया बिटिया बहुत संस्कारी है, मेरी बेटी जैसी ही है। मैंने वो जेवर गिरवी नहीं रखे, आपकी बहू की अमानत समझकर रख ली। ये सोचकर कि कोई बड़ी मुसीबत होगी, जब मुसीबत दूर हो जाएगी तो शिया बिटिया खुद पैसे देकर अपने गहने वापस ले जाएंगी। ये लीजिए आपके गहने। नमस्ते जी। नमस्ते माँ। अब तो आपको आपके सवाल का जवाब मालूम है।